मैं हूं नवीन चौहान। नोटबंदी का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है और मोदी सरकार चार ऐसे फैसले लेने जा रही है जिससे देश की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, जिससे आम आदमी को फायदा होने वाला है। आखिर कौन से हैं वो चार फैसले, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। फैसला नंबर एक, नए साल से सरकार ब्लैक मनी के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज करेगी। बैंकों में डिपॉजिट हुए पैसों को इनकम टैक्स ने खंगालना शुरू कर दिया है। अन्य एजेंसियों के सोर्स से ब्लैक मनी रखने वालों की जानकारियों को हासिल किया जा रहा है। इनमें नेता, ब्यूरोक्रेट्स, बिल्डर्स, बैंकर्स, बिजनेसमैन के साथ शेयर मार्केट में काम करने वाले कारोबारी भी शामिल हैं। सैलरी अब सीधा बैंक अकाउंट्स में आएगी। व्यापारी छोटा हो या बड़ा, सरकारी विभाग हो या प्राइवेट कंपनी, अब सरकार की कोशिश है कि नए साल से जितनी भी सैलरी होगी वो सीधा बैंक अकाउंट्स में आएगी। सरकारी कोशिश होगी कि नए वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल 2017 से ये सभी कंपनियां अपने वर्कर्स की सैलरी अपने बैंक अकाउंट में डालें। वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के अनुसार इसमें राज्य सरकारें और बैंकों की मदद ली जाएगी। बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया जाएगा। सरकारी विभाग में फैले करप्शन में बिचौलियों का एक बड़ा हाथ है, उसको लेकर सरकार ये चाह रही है कि बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। करप्शन को कम करने के लिए सरकारी खरीद में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने की कोशिश तेज की जाएगी। सरकार द्वारा किए जाने वाली खरीद में बड़े पैमाने पर रिश्वत की शिकायतें आती रहती हैं। सरकार ई पोर्टल को बड़े पैमाने पर शुरू करेगी। इसके जरिए हर साल करीब 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की जाएगी। इसमें खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा। हर विभाग और हर मंत्रालय को सरकारी खरीद में इस प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से अपनाना होगा। फैसला नंबर चार, बचत खातों पर कम होगा ब्याज। सरकार जल्दी बचत खातों पर ब्याज कम करने जा रही है। सरकार जल्दी सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज दर कम करने जा रही है। इसके साथ ब्याज दर कम करने के लिए डिपॉजिट रेट भी कम किया जाएगा। सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर कम करने के पीछे सरकार का तर्क यह होगा कि इससे लोग सेविंग अकाउंट में पैसा कम रखेंगे और खर्च ज्यादा करेंगे। अधिकांश बैंक सेविंग अकाउंट पर औसतन 4% ब्याज देते हैं, इसे कम करके 2% पर लाया जा सकता है। तो आपने देखा, ये वो चार फैसले होंगे जिनसे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। यानी साफ तौर पर मोदी सरकार इन चार फैसलों से देश की किस्मत बदलने जा रही है। आपको एक कैसे लगे चार फैसले, अपने कमेंट्स जरूर करें।